संजीव कुमार, मेरी वाइफ का नाम पिंकी, मेरा बेबी जो है वो 7 सितंबर को CH45 में हुआ था और उसके बाद उसको प्रॉब्लम आ गई जॉन्डिस की, तो फिर हम उसके बाद फॉलोअप के लिए यहाँ पे किसी ने मुझे कहा था, मेरे जो नोन है, कि हीलिंग हॉस्पिटल लेकर के जाइए आप वहाँ पे और वहाँ पे ठीक रहेगा। फिर मैं यहाँ पे लेके आ गया था 16 को लेकर के आ गया था और उसके बाद डॉक्टर प्रजीत मैम ने की देख रेख में इसकी जो है वो ट्रीटमेंट शुरू हुआ और फिर इसका चेकअप हुआ तो इसका पीलिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा आया था। फिर उन्होंने इसको नीको में या जो भी है फोटोथेरेपी के लिए इन्होंने आगे रखा एक दिन के लिए और उसके बाद इसका हम यहाँ पे एडमिट हो गए थे बच्चे के साथ में। 5 डेज यहाँ रहे हैं बच्चे के साथ में और इसकी ट्रीटमेंट हुई है मैम के, डॉक्टर प्रजीत मैम के देख रेख में। और उसके बाद मैम ने कहा था कि आप अगर 5 डेज के डोज आपके और भी हैं एंटीबायोटिक्स के वो जो कि आप यहाँ रह के लगवा सकते हैं या घर से आने जाना OPD बेसिस पे है तो आप वहाँ से आ सकते हैं। फिर मैं मैम से कहा था कि मैम ठीक है, मेरे पास एक 9 ईयर्स हैविंग बेबी है और चाइल्ड है जो घर में अकेला रहता है, इस करके मैं यहाँ पे तो स्टे नहीं कर सकता, मैं OPD बेसिस पे ही आके इसका जो भी है वो इंजेक्शन वगैरह मैं लगवा लिया करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैं 21 को डिस्चार्ज हो गया था यहाँ से और 22 से हमारा 5 डेज OPD बेसिस शुरू हो गया। 22 से हम 26 तक OPD बेसिस पे यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाए हैं। ओवरऑल मैं डॉक्टर प्रजीत मैम का थैंक यू करना चाहता हूँ, उनके देख रेख में इसका ट्रीटमेंट हुआ और मैं सेटिस्फाइड हूँ और उन्होंने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया और जो जैसे कहा और उसके बाद मैंने फिर फॉलो किया उस चीज़ को। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आगे मेरे नोन में या मेरे किसी फ्रेंड सर्कल या कोई भी अगर मेरे से अपने बच्चे के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी रिगार्डिंग, तो हम यही उनसे कहेंगे कि नहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रजीत मैम हैं जो कि बच्चों की स्पेशलिस्ट हैं और उनके देख रेख में जो ट्रीटमेंट करवाएंगे तो उनका जो इलाज है वो सही तरीके से हो जाएगा और जैसे कि मैं वहाँ पे अपने बच्चे का इलाज करा के आया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ।